हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल घर की रसोई एंड टिप्स एंड ब्लॉग में। तो फ्रेंड, आज हम लेकर आ गए हैं बिहारी स्टाइल आलू बैंगन और टमाटर की मिक्स चोखा की रेसिपी फ्रेंड, जो कि एकदम आसान तरीके से बनाकर तैयार करेंगे एकदम कम मसालों के साथ। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या सामग्री चाहिए। तो एक बड़े साइज का बैंगन लिए हैं, इस तरीके का बैंगन चाहिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं। 4 टमाटर लिए हैं, 2 हरी मिर्च लिए हैं, 10-12 कली लहसुन का लिए हैं। तो इस तरीके से कट लगा लेंगे बैंगन में, इस तरीके से चेक कर लेंगे कीड़ा वगैरह सड़ा हुआ तो नहीं है। तो फ्रेंड, ये सड़ा हुआ नहीं है, तो अब हम इसमें लहसुन के कली को डाल देंगे, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, सारा लहसुन के कली आ गया है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। इस तरीके से बनाने से चोखा एकदम स्वादिष्ट डिलीशियस बनकर तैयार होता है फ्रेंड। तो फ्रेंड, अब हम दूसरे साइड भी कट लगाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से इधर से भी चेक कर लेना है सड़ा हुआ है कि नहीं। और इस साइड हम मिर्ची डाल देते हैं फ्रेंड, मिर्ची भी पक जाएगा बैंगन के साथ। तो अब हम इसमें ऑयल लगा लेंगे हल्का हल्का। ऑयल लगाकर पकाने से क्या होता है फ्रेंड, इसका जो छिलका है आसानी से निकल जाता है, छिलका निकालते समय दिक्कतें नहीं होता है। तो टमाटर में भी हल्का हल्का ऑयल लगा लेंगे फ्रेंड, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, हम सारे टमाटर में ऑयल लगा लिए हैं। तो चलिए कैसे पकाते हैं। तो जाली रख दिए हैं गैस के ऊपर में, गांव में तो फ्रेंड चूल्हा पे पका लेते हैं या द्वार पे आग जलाते हैं तो उसमें भी पक जाता है, बट यहाँ पे तो मैं गैस में ही पका लेती हूँ जाली रख कर। तो लो फ्लेम में सारे बैंगन और टमाटर को रख देंगे और थोड़ी थोड़ी देर पे चिमटी की सहायता से पलट पलट कर पकाएंगे, आप देख सकते हैं फ्रेंड इस तरीके से। हाथ से पलटने से फ्रेंड टमाटर से पानी जो निकलता है उससे हाथ भी जल सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं एक साइड से पक गया है, तो अलटते पलटते हुए दोनों साइड से पकाते जाना है और जो पक गया है उसको निकाल कर प्लेट में रख लेंगे फ्रेंड। तो ये टमाटर पक गया है चारों साइड से, तो जिधर ज़्यादा आग है उधर रख देंगे, जो नहीं पका है तो इधर। फ्रेंड, हम 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं चोखा बनाने के लिए। तो उबला हुआ आलू है फ्रेंड, पीला पीला दिख रहा है क्योंकि हम दाल में डाल दिए थे छीलकर, दाल के साथ ही पका है, उबला है आलू। तो इसको मैश कर लेंगे अच्छी तरह से गरम गरम में ही फ्रेंड। तो फ्रेंड, हम आलू को मैश कर लिए हैं गरम गरम में, अच्छे से मैश हो जाता है। तो इधर बैंगन भी पक गया है चारों तरफ से, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा तो समझिए कि अच्छा से पक गया है। तो इधर चोखा में क्या क्या सामग्री चाहिए तो देख लेते हैं फ्रेंड, आप देख सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक बारीक काट लिए हैं, थोड़ा हरा धनिया काट रहे हैं फ्रेंड बारीक बारीक, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, इधर धनिया प्याज कट गया है, तो चलिए अब हम बैंगन टमाटर का छिलका निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड काला वाला जो छिलका है टमाटर का निकाल लेंगे, तो आप देख सकते हैं आसानी से छिलका निकल रहा है। इसको धुलना नहीं है फ्रेंड, धुलने से इसमें क्या होगा कि अंदर में पानी चला जाएगा, बिना धुले ही इसको मैश करना है। जब सारे सामग्री को हम अच्छे तरह से, मतलब टमाटर और बैंगन का छिलका जब अच्छे से उतार लेंगे, उसके बाद हम इसको मैश करेंगे आलू के साथ। तो इसी तरह से हम सारे टमाटर और बैंगन के छिलके को उतार लेंगे फ्रेंड। तो अब हम बैंगन के छिलके निकालेंगे, आपको दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं ये बैंगन थोड़ा ज़्यादा ही पक गया है, आप देख सकते हैं आसानी से इसका छिलका उतर जाता है।
तो फ्रेंड ये बैंगन आलू टमाटर का चोखा हमारे गांव बिहार में लिट्टी के साथ खाया जाता है, आग वाले लिट्टी के साथ। आप इसे खिचड़ी, दाल चावल, रोटी, चपाती किसी के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड। और बिना कोई ज़्यादा तेल मसाला का भी बन जाता है, इसको हम तड़का भी नहीं लगाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे जैसे कि हमारे यहाँ बिहार में बनाया जाता है फ्रेंड। सेम प्रोसेस में हम बना रहे हैं, हमारे इधर इस चोखा में तड़का वगैरह नहीं लगता है, ऐसे ही बनता है। इसी तरह का चोखा के साथ आपको बिहार में लिट्टी मिलेगा दुकान वाले के पास, ठेला में भी। तो फ्रेंड बाकी के बचे हुए टमाटर को भी हम छील लेते हैं सेम प्रोसेस से। तो फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल में नए आते हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम सारे बैंगन और टमाटर के छिलके को उतार लिए हैं फ्रेंड। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि टेस्ट के लिए स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, वन टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद है, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं फ्रेंड। दो छोटा चम्मच सरसों तेल डालेंगे, इसमें कच्चा तेल डालेंगे फ्रेंड, सरसों तेल, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है चोखा में। तो अब हम अच्छे से हाथ की सहायता से मैश करेंगे। अगर आपके पास पोटैटो मैशर है तो उससे भी आप मैश कर सकते हैं। सबको अच्छे से मैश कर लेंगे, इसमें जो पका हुआ लहसुन, हरी मिर्ची, टमाटर, बैंगन सबको अच्छे से आलू के साथ मैश करेंगे फ्रेंड। इस तरीके से आप देख सकते हैं चोखा अच्छे से मैश हो गया है फ्रेंड। हल्का मोटा भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सभी चीज़ पका हुआ है अच्छे से। तो अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे जो काट कर रखे थे, दो मीडियम साइज़ का प्याज है फ्रेंड, और ढेर सारा हरा धनिया बारीक काट कर डालेंगे। इससे हमारे चोखा एकदम डिलीशियस बनकर तैयार हो जाएगा। तो चोखा हमारा तैयार हो गया है फ्रेंड, अच्छे से मिला लेंगे सभी सामग्री को। तो अच्छे से मिला लिए हैं, तो चलिए अब हम आलू बैंगन टमाटर की मिक्स चोखा सर्व करके दिखाते हैं। वाह, आप देख सकते हैं बिहार का फेमस लिट्टी के साथ खाने वाले चोखा तैयार है फ्रेंड। तो आप इस तरीके से बिहारी स्टाइल चोखा बना सकते हैं एकदम कम मसाले के साथ। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड कि आपको ये रेसिपी पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।